8 माह से लापता व्यक्ति को परिवार वालों को सौंपा। जिला मंडी के उपमंडल करसोग के कटोल गांव के कुछ लोगों ने करसोग थाना को सूचित किया कि वहां पर एक संदिग्ध आदमी घूम रहा है तथा थाना पुलिस करसोग ने तत्काल मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को थाना करसोग लाकर पूछताछ की। थाना पुलिस करसोग ने तत्काल मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को थाना करसोग लाया। वह पूछताछ की तो उसने अपना नाम धारबेलू बताया। वह व्यक्ति बहुत कम बोलता था, इसलिए पुलिस को पूछताछ में बड़ी दिक्कत है। जानकारी के अनुसार धारबेलू गांव जमेशा जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो कि 8 महीना पहले ही बिना बताए घर से चला आया था। पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से उसके परिवार वालों की जानकारी ली। तत्पश्चात करसोग पुलिस ने उत्तर प्रदेश में धारबेलू की पंचायत प्रधान से संपर्क साधा। संपर्क होने के बाद धारबेलू के बेटा ओम प्रकाश के साथ बातचीत की। उसके पश्चात धारबेलू का बेटा ओम प्रकाश उत्तर प्रदेश से तुरंत करसोग पहुंचा और थाना करसोग में अपने पिता से मिला। धारबेलू के पुत्र ने करसोग पुलिस का धन्यवाद किया और कहा कि उनके प्रयास से ही उसे अपने खोए हुए पिता वापस मिले हैं। 3/11/2019 को कटोल गांव से हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में गांव में घूम रहा है। फिर थाना से हमने पुलिस टीम भेजी और उसको थाना ले आए। थाना पुलिस से पूछताछ की तो पाया कि यह व्यक्ति बहुत कम बोलता था, तो उसने धीरे धीरे हमें बतलाया कि इसका नाम भगेल्लू राम है तथा यह जुमेथा गांव जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश का है तथा इसका थाना जफराबाद पाया गया। हमने जफराबाद थाना पर करके वहां के प्रधान का नंबर लिया और नंबर लेकर के इनके घर वालों से को सूचित किया, तो वहां से फिर इसका बेटा ओम प्रकाश यहाँ थाना पर आया है। हमने उसे अभी सपोर्ट कर दिया है और हमने जब जितनी देर हमारे पास रहा हमने उसको बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में रखा है।